फ्रेंड्स देखते हैं इसमें कौन सा सवाल है, कैसे ट्रिक के माध्यम से हमारा लगेगा। फ्रेंड्स जैसे हमने एक सवाल दे दी, वह कौन सी धनराशि है, वह कौन सी धनराशि है, वह कौन सी धनराशि है जिसका 10% की दर से, जिसका 10% की दर से, जिस प्रतिशत की दर से 2 वर्ष में साधारण तथा दो, हमें 2 वर्ष दिया गया है, 2 वर्ष में साधारण साधारण ब्याज, साधारण व चक्रवृद्धि ब्याज, मान लीजिए चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 75 है। इसका अंतर हमें दे रखा है और हमने ट्रिक बताए हैं, हर एक ट्रिक हमने अलग अलग तरीके से लगाए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। का अंतर कितना हमें अंतर दिया है, 75 दिया गया है। तो अब हमें जो है मूल राशि को ज्ञात करना है। मूल राशि को गाइस कैसे ज्ञात करेंगे वो आपको बताते हैं। मूलधन दिया गया है हमें, और जो है अंतर दोनों का मूल कितना दे दिया गया है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं फ्रेंड्स आपके। मूलधन दिया गया है, मूलधन दिया है कितना, मूलधन दिया गया है फ्रेंड्स 75 मूलधन हो गया, ठीक। एक पेन नहीं चल रही है क्या, 75 मूलधन हमें दे दिया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। और हमें वर्ष कितना दिया गया है, 2 वर्ष, तो हमें 2 वर्ष की साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो जिसकी हमें जो है दो दर कितनी दी गई है फ्रेंड, 10%, तो साधारण 10% के हिसाब से 10 बटा हमारा 100 हो जाएगा, फिर हम गुणा 10 बटा 100 हो जाएगा हमारा। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा मूलधन हो जाएगा, मूलधन जो है 75 हमें दी गई है मूलधन। फिर उसके बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स, जैसे 2 जीरो से हम 2 जीरो को काट देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो बची हुई संख्या में हमारा 100 आ जाएगा। तो यही हमारा फ्रेंड्स मूलधन जो 75 दिया है, हम यहाँ पे 100 से गुणा कर देंगे, 100 से गुणा करने के बाद हमारा आ जाएगा 75 75 100 रुपये, ठीक है। ये हमारा जो है फ्रेंड्स मूलधन का आंसर आ जाएगा। देखिए कितने साधारण ट्रिक से ये सवाल आपका सॉल्व हो गया फ्रेंड्स। इस सवाल में कुछ नहीं है, मैं फ्रेंड्स एक सवाल और भी आपको बता देता हूँ, इसको भी देख लीजिएगा। जैसे मान लिया जाए फ्रेंड्स हमें क्या दिया हो, जैसे वह कौन सी राशि है, राशि का हमें ज्ञात नहीं है लेकिन हमें राशि दे दी रखी है, वह कौन सी राशि है जिसका जिसका 20% की दर से साधारण व चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है, हमें अंतर दिया है 400, मान लिए 400 दिया गया है, ठीक। हमने मान लिया 400 दिया गया। अब इस सवाल को फ्रेंड्स हम कैसे सॉल्व करेंगे आपको बता दूं फ्रेंड्स, ये भी ट्रिक के माध्यम से ही फ्रेंड्स। एक से मूलधन क्या है, मूलधन हमें कितना दे दिया है, उसने 400 रुपये दे दिया है, राइट। और हमें वर्ष कितना दिया है फ्रेंड्स, हमें वर्ष जो है इसका कुछ भी नहीं दिया गया है। तो हम उसी ट्रिक से, अगर यदि 20% दिया है तो हम जैसे 20/100 × 20/100 कर लिए, ठीक। उसके बाद फ्रेंड्स क्या करेंगे हम, यहाँ देखिए काटते हैं कैसे कटेगा, 20 पंचे 20 पंचे 20 पंचे, यानी 5 5 से कट जा रहा है, 20 पंचे 100, राइट। उसके बाद फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, यहाँ से और यहाँ से मल्टीपल करते चले आएंगे, गुणा करते जब चले आएंगे फ्रेंड्स, तो हमारा आप गुणा करके देख लीजिएगा, आप 400 × 5 से आप करेंगे अगर, और फिर जितना संख्या आया उसके बाद हम गुणा कर देंगे, तो उसके बाद हमें टोटल संख्या जो है फ्रेंड्स 10,000 हमारी आ जाएंगी। आप गुणा करके देख लीजिए, अगर इतना आंसर ना आए तो फिर कहना फ्रेंड्स, इतना आंसर आएंगे
फ्रेंड्स एक चीज नोट करने वाली है, आप नोट कर लीजिए। आपको मैं बता दूं फ्रेंड्स, गुणा मूलधन से ही करना होता है, इतना याद, कोई भी सवाल लगाते समय इतना याद रखिएगा कि गुणा हमें जो है मूलधन मूलधन से ही करना है, करना है, राइट। मूलधन कौन सा है आपका, ये हमने 400 रुपये बताई है, इसी से गुणा करना है। यहाँ पे पहले तो हम 20/100, 20/100 करके हम पहले गुणा करके इनको काट लेंगे, जो बची हुई संख्या है उसी से हम गुणा कर देंगे, जो आंसर आएगा हमारा वो आंसर सही हो जाएगा, ठीक।